जय श्री महाकाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा विपक्षी शाहनवाज खान के बारे में। काफ़ी दिनों से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या शाहनवाज खान अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था शाहनवाज खान के बारे में, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊँगा कि शाहनवाज खान अब क्या कर रहा है। आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप जो कि जब तक जिंदा था तब तक बिल्कुल बादशाह की तरह अपना ज़िंदगी जीता था, कुछ भी किसी से पूछ कर नहीं करता, जो करना होता खुद से कर लेता और अपने मर्जी के हिसाब से ही चलता था। लेकिन शाहनवाज खान था जो कि दुर्लभ कश्यप के रास्ते में हमेशा पत्थर बनकर के खड़ा हो जाता था। आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप कभी भी हार नहीं मानता था, लेकिन शाहनवाज खान ने मौके पर आकर के दुर्लभ कश्यप का खात्मा कर दिया। लेकिन जब दुर्लभ कश्यप का उसने खात्मा करा तो उसके बाद वो उज्जैन का किंग खुद को समझने तो लग ही गया। लेकिन आपको बता दूं कि शाहनवाज खान, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज के समय में वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहा, क्योंकि शाहनवाज खान के बारे में इस बीच में कोई भी चर्चा नहीं हुआ है और किसी भी तरह का कोई भी क्राइम वाला काम शाहनवाज खान नहीं करा है, तो कहीं ना कहीं शाहनवाज खान जो कि खुद को अब शरीफ साबित करना चाहता है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शाहनवाज खान अब खुद को सुधारना चाहता है, तो अच्छी बात है कि शाहनवाज खान खुद को सुधार ले। लेकिन हाँ, यदि वो उज्जैन का किंग बनने का प्रयास करेगा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से शाहनवाज खान आपराधिक काम करेगा। तो शाहनवाज खान को ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी आदमी क्यों ना हो, आप में से जो कोई भी मेरे वीडियोस को देखते हो सुनते हो, तो आप लोग कभी भी किसी भी तरह का आपराधिक काम ना करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय श्री महाकाल। मिलता हूं अगले नए वीडियो में।